आइए पाठ के अध्याय संक्षेप के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, विचारों को लिख कर या बोलकर यह हुआ भाषा। भाषा के दो प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताया। मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाती है और लिखित भाषा लिखकर। की जाती है। इस प्रकार आपने जाना, बोली जो है वह देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। किसी एक राज्य में बोली गई भाषा, बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसे ही ध्वनि ध्वनियों की व्यवस्था को, ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों की निश्चित व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मैं व्याकरण पे चलती हूँ तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध करना सीखते हैं। भाषा को शुद्ध करना सीखते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का क्या प्रयोग है। इसमें एक मुख्य बात और बताना चाहूंगी कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा जो है वो भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत की गई थी राजभाषा के रूप में। तो जो आपके ध्यान में होना चाहिए, जानने योग्य। अच्छा, में संविधान द्वारा स्वीकृत की गई, अर्थात हिंदी का प्रयोग सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में किया जाएगा। संविधान
में स्वीकृत की गई। इस प्रकार हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना और एक जानने योग्य तथ्य जाना। आज भी हम 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं और हमेशा हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। पाठ को यहीं संक्षेप में समाप्त करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगी। अगले पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।